सो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फोटोशॉप। इस वीडियो में हम देखने वाले हाउ टू मेक बेटर कंपोजिट यूजिंग प्रोस्पेक्टिव। हम कैसे बेटर कंपोजिट बनाएं प्रोस्पेक्टिव को यूज़ करके। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट या बैकग्राउंड चेंज करना है या कोई भी सब्जेक्ट बैकग्राउंड में ऐड करना है तो यू मस्ट नो हाउ टू मेक अ बेटर प्रोस्पेक्टिव। तो आज हम वही देखने वाले कि बिल्कुल ईजिली आप कैसे प्रोस्पेक्टिव में उसे फिट करें कि आपका पूरा कंपोजिट बिल्कुल रियल लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फटाफट हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल पे जाएंगे। तो ये जो इमेज है, इसमें मेन तीन चीज हमें फाइंड करना है। पहला है ग्राउंड प्लेन। तो ग्राउंड प्लेन बेसिकली जो ग्राउंड दिख रहा है कोई भी इमेज का, उसे हम ग्राउंड प्लेन कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, दिस इज़ ग्राउंड प्लेन। और सेकंड चीज़ हमें फाइंड करना है स्काई। दिस इज स्काई, जो आपको नॉर्मली इमेज में दिखेगा या कोई कोई इमेज में नहीं रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें एक होराइजन लाइन फाइंड करना है। होराइजन लाइन बेसिकली होता है ग्राउंड प्लेन और स्काई का जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसे हम होराइजन लाइन कहते हैं। तो इन दिस इमेज, दिस इज़ होराइजन लाइन। तो बेसिकली हमें हर इमेज का होराइजन लाइन फाइंड करना है, उसके बाद आप कोई भी इमेज बेटर परस्पेक्टिव में, आप कोई भी बैकग्राउंड पे ईजिली फिट कर सकते हैं। बट जब आपको स्काई या ग्राउंड प्लेन किसी इमेज में ना दिखे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट, कैमरा एंगल। कैमरा एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कैमरा का एंगल ऊपर है तो होराइजन लाइन नीचे होगा। जस्ट लाइक अगर हम कैमरा का एंगल ऊपर करते हैं, ये रहा टॉप व्यू, तो होराइजन लाइन आपका नीचे होगा। अब ये आपका होराइजन लाइन यहाँ आ गया। अगर आपका कैमरा का एंगल डाउन है लाइक दिस, ये नीचे से आपने कोई फ़ोटो लिया अपसाइड, तो कैमरा आपका होराइजन लाइन अब ये आ गया, ऊपर हो जाएगा। तो फटाफट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपना बैकग्राउंड है और ये एक मैंने एक सब्जेक्ट यहाँ कट करके रख दिया। तो बेसिकली सब कुछ सही लग रहा है, लाइट भी सही है, शू भी सही है, तो एक परफेक्ट कंपोजिट ये लग रहा है। बट प्रोस्पेक्टिव सही नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। लग रहा है कि कोई और बैकग्राउंड में ज़बरदस्ती इसे फिट किया गया है। तो इसे फिक्स कैसे करें? तो हमने देखा था कि होराइजन लाइन के थ्रू हम इसे फिक्स करेंगे। तो हमें पता है कि इमेज का होराइजन लाइन ये है बैकग्राउंड का, और हमें इस सब्जेक्ट का भी होराइजन लाइन हमें जानना पड़ेगा। तो इसका मैंने मास्क बना के रखा था, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो इसका होराइजन लाइन है, ये ग्राउंड प्लेन हो गया, ये स्काई हो गया। तो जहाँ ग्राउंड प्लेन और स्काई में मिल रहा है वो होराइजन लाइन है। इसमें इस इमेज के लिए ये है आपका होराइजन लाइन हैंड के पास। तो अब करना क्या है हमें? बहुत ही सिंपल है, इस इमेज का होराइजन लाइन को बैकग्राउंड वाले होराइजन लाइन से मैच कराना है। बस आपका कंपोजिट पहले से बहुत बेटर लगने लगेगा। तो इस इमेज का होराइजन लाइन ये है बैकग्राउंड का, और ये सब्जेक्ट का हैंड के पास है। तो ये है, ये सब्जेक्ट को हम इस प्रोस्पेक्टिव में हम ला के यहाँ रख देते हैं। नाउ लुक, ये अब बेटर लगने लगा है। बस हल्का सा मैंने प्रोस्पेक्टिव को चेंज किया और लुक, ये आपका कंपोजिट पहले से बेटर लगने लगा है। लग रहा है कि ये ऑलरेडी इसमें फिट है। स्केल आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा वो आप जैसे करें। आप बेसिकली आपको करना है इसका होराइजन लाइन और इसका होराइजन लाइन को मैच कराना है। आप कहीं भी रख दीजिए, ऊपर रखेंगे इमेज को ये अजीब लगेगा, नीचे रखेंगे अजीब लगेगा। इस होराइजन लाइन को इस पे मैच कराएंगे जो इसका हैंड है, और ये इसका ही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैच कराएंगे। तो लुक, ये लग रहा है अब इसका एक पार्ट है। सो सिंपल, थोड़ा बड़ा करके इससे फिट कर देते हैं लाइक दिस। तो अब बेसिकली हल्का सा कलर ग्रेडिंग के बाद ये परफेक्ट कंपोजिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
ये लाइन है, इसको हम इस पे फिट करते हैं। तो पहले मैंने इसका कटआउट बना लिया है, ये रहा, और हम इसमें फिट करते हैं, इसे हटा देते हैं। तो पहले हम बेसिकली इसका होरिजन लाइन देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ना इसमें स्काई है, ना इसमें ग्राउंड प्लेन का पता चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैमरा एंगल इसका डाउन है, ये डाउन से अप की साइड लिया हुआ है। तो कैमरा एंगल ऑलरेडी, मतलब कैमरा डाउन की तरफ है, तो बेसिकली हॉरिजन लाइन आपका अप होगा। तो ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से मीन्स ऊपर की होगा, मतलब नोज़ की तरफ होगा या आइज़ की तरफ होगा आपका हॉरिजन लाइन। तो एक अंदाज़ ले लेते हैं हम लोग, नोज़ की तरफ है, नोज़ के पास है, ये आपका हॉरिजन लाइन है। इतना तो है कि इस लाइन से ऊपर होगा, या तो नोज़ के पास होगा या तो आइज़ के पास होगा। तो इसको हमने ऑलरेडी कटआउट कर लिया है, ये रहा। तो इसको हम और फिट करते हैं इस पे जाके, दो आ गया। हाँ, तो इसका ओरिजिनल लाइन ये है बैकग्राउंड का, और इसका नोज़ के पास। तो हम थोड़ा छोटा करते हैं, अगर हम इसे थोड़ा ऐसे फिट करेंगे तो लुक ये फिट हो गया, बट लग नहीं रहा प्रोस्पेक्टिव में। जैसे आप इसका हॉरिजन लाइन इस पे मैच कराएंगे, अब ये और भी बेटर लग रहा है। अगर ये ऊपर करेंगे तो लुक प्रोस्पेक्टिव से पूरा हट गया, कोई मैच नहीं। ये इसका हॉरिजन लाइन यहाँ है, इसका हॉरिजन लाइन यहाँ है। तो आप कोशिश करें कि जितना क्लोज रहे आप उतना रखें। ये देखना, जैसे ही मैंने हॉरिजन लाइन पर रखा और ये लग रहा है कि उसका एक पार्ट है, नीचे किया तो ये आउट ऑफ फ्रेम लग रहा है, कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने इसे ऊपर किया और हॉरिजन लाइन मैच किया, तो लुक ये अपने आप में ही बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ना इसमें कलर ग्रेडिंग है, ना कोई शेडो है, ना कुछ काम किया हुआ है, बस मैंने एक कटआउट लेके इसे जैसे रख दिया। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इमेज देख लेते हैं। ये इमेज है लाइक दिस, इसका होराइजन लाइन आप देख सकते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका होराइजन लाइन है नीचे। तो इस इमेज को मैंने कट कर दिया है दिस। तो अब हमें इसे इस पे फिट करते हैं ये इमेज में। तो बेसिकली हम सिंपली यहाँ लेके आए और रखे। पहले बैकग्राउंड का होराइजन लाइन फाइंड कर लेते हैं। ये आपका ग्राउंड प्लेन हो गया, ये आपका स्काई हो गया, तो ये होराइजन लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये इमेज को लाए, इसका होराइजन लाइन कहाँ है, पैर के नीचे। लुक, पैर के भी नीचे है होराइजन लाइन, मतलब इस इमेज में इसके ऊपर ही रहेगा ये इमेज। तो हम इसे छोटा कर देते हैं, और ये पैर के नीचे इसका होराइजन लाइन है। आप कैसे भी रख दीजिए ये फिट लगेगा ही नहीं इस बैकग्राउंड में, लाइक दिस। अभी भी फिट नहीं लग रहा, बस सिंपली आप इसका पैर इस होराइजन लाइन से जैसे ऊपर लाएंगे, ये पूरा परफेक्ट फिट हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ लुक, ये पूरा एक लग रहा है, इसमें एक पार्ट है, ये कंप्लीट कंपोजिट बन गया है। कलर ग्रेडिंग भी मैंने नहीं किया है, और शेडो वेडो कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिटेल ऐड कीजिए, आपका पूरा कंपोजिट रेडी है। लुक कितना डिफरेंस मिला नीचे और ऊपर, बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें अलग अलग इमेज में, और बहुत ही अच्छा कंपोजिट आप इजीली बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।